हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट क्रिकेट में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और नौकरी से रिलेटेड है। इस वीडियो में लाइब्रेरी इंटर्नशिप या लाइब्रेरी ट्रेनिंग के बारे में बताने वाला हूं। यह जो विभिन्न पद हैं, NIT वारंगल में आया है, जिसमें कुल 6 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसके बारे में सभी डिटेल जानकारी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इससे पहले इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। तो NIT वारंगल में कुल 6 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं, यानी लाइब्रेरी ट्रेनिंग या लाइब्रेरी इंटर्नशिप के लिए कुल 6 पद हैं। इन 6 पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, यानी MLIC में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। डिजाइवर में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। मानदेय के रूप में सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। हम बात करें जो ड्यूरेशन है, यानी कितने साल के लिए आपका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, तो 1 साल के लिए ट्रेनिंग बेसिस पे, यानी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, या आपके परफॉर्मेंस के आधार पर और रिक्वायरमेंट के आधार पर वेस्ट करता है। हम बात करते हैं एज लिमिट के लिए। इस पोस्ट के लिए यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो एज लिमिट 28 साल है, लेकिन आप यदि कैटेगरी में आते हैं जैसे OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का छूट है, AC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का छूट है। जो आपका ट्रेनिंग टाइम है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं, और AC ST और PH कैंडिडेट के लिए कोई भी अप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। अप्लीकेशन शुल्क जो है DD बनाकर पे करना है, और किसके फेवर में बनाना है तो डायरेक्टर NIT वारंगल के नाम से आपको DD बनाना है। इसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे जो है अप्लीकेशन फॉर्म जो आपको सेंड करना है, उसके लिए यहाँ पे एड्रेस दी गई है। इस एड्रेस पे आपको अप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, और आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो 28/10/2022 तक पहुँचना चाहिए।